इन्होंने पहले तो दूसरे लोगों का मत बताया दो श्लोक में है ना ये कह रहे हैं कुछ लोग तो कहते हैं कामया कर्मनाम कर्म नाम न्यासम काम में कर्म है उनको छोड़ दो कामना युक्त तो होकर के मत करो तो यही सन्यास है कुछ कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्म तो करो लेकिन कर्मों के फल को छोड़ दो इसको कुछ कहते हैं त्याग और कुछ ने कहा त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणा कुछ मनीषी कहते हैं कि दोष वाले कर्मों को छोड़ दो जिन कर्मों में दोष है उनको छोड़ दो और कुछ ने कहा कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए बाकी चाहे सब छोड़ दो जो भी कर्म कर्म फल छोड़े लेकिन यज्ञ दान और तप ये कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए तो फिर कहा कि आपका क्या मत है तो इन्होंने कहा निश्चय मैं तत्र त्यागे भरत सत्तम त्याग के विषय में मेरा जो मत है वो सुनो निश्चित रूप से ही पुरुष व्याघ्र तीन प्रकार का त्याग होता है यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम एवं तथ ये नहीं छोड़ने चाहिए यज्ञ दान तप और कर्म कर्म मतलब भगवान के लिए जो अपने कर्तव्य कर्म है तो, तो कितना तो स्पष्ट बता रहे हैं देखो रोज बता है रहे हैं ना भगवान कृष्ण कह रहे किसी के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो आपको अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है आपका कर्तव्य यदि ये बनता है कि बड़ों के प्रति श्रद्धा रखे तो रखनी ही है फिर और ये मतलब बाहर का नहीं अंदर वाला अंदर वाली अश्रद्धा ज्यादा हानि करती है बाहर से मान लो आपने कभी किसी को किसी अपने पूज्य को नमस्ते नहीं की प्रणाम नहीं किया तो ज्यादा आपकी हानि नहीं होगी कोई बात नहीं पर मन में यदि आपने उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव बिठा लिया तो वो फिर बिल्कुल तेजाब का, का काम करेगा तेजाब क्या करती है जला देती है तो हमारे अंदर के प्रकाश को अच्छाई को पुण्यों को ना ये अश्रद्धा जला देती है तेजाब की तरह से बुरा हाल कर देती है तेजाब जलाती तो जलाती जलाती नहीं है घाव दे देती है उसके घाव हो जाते हैं बहुत मालूम है तेजाब का मालूम है नहीं है तो थोड़े डाल के देख लेना नहीं डालना मत नहीं तो घाव हो जाएगा डालना है तो पत्थर के ऊपर डाल के देख लेंगे थोड़ी सी तो ऐसे ये अश्रद्धा बुरा भाव प्रमाद आ, बहुत सारी चीजें तो ऐसी उनको हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं उन दूरितों को इसलिए वेद का मंत्र कहता है विश्वानी दूरितानी परसुआ हमें कभी पता ही नहीं चलता है अतः तो हम कहीं समूह में जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कारण किसी को कष्ट हो रहा है तो उस दुरित को आप क्या कहेंगे ना वो घृणा है ना द्वेष है ना ईर्ष्या है और हमें पता भी नहीं है तो उसको क्या नाम दे हम तो कुछ तो हमें पता भी नहीं होता है इसलिए कहा विश्वानी दुरितानी परसुआ लेकिन दुरित तो है क्योंकि वो अपने मन को भी प्रसन्नता नहीं दे रहा है और दूसरे के मन को भी नहीं दे रहा है इसलिए दुरित तो है ठीक करने योग्य तो है अब कोई व्यक्ति रोज कक्षा में लेट आ रहा है ये दुरित तो है लेकिन इसको क्या नाम दे क्या है ये वो व्यक्ति कहेगा मैं आलस से भी नहीं करता हूं मैं तो ठीक आता हूं प्रमाद भी नहीं है और क्या हो सकता है द्वेष घृणा डिसरेस्पेक्ट अश्रद्धा ये कुछ नहीं है लेकिन दुरीित तो है ना तो इसको क्या नाम दे तो हम ऐसे बोल देते हैं ऊपर से और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर कौन से कौन से दूरित हैं और उसको क्या नाम दे उसको कैसे हटाएं व्यक्ति कहेगा मेरे मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है मैं किसी से घृणा नहीं करता हूं मैं किसी से असूया नहीं करता हूं मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं और वो करता भी नहीं है लेकिन फिर भी दूरित तो होते ही है तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इनको छोड़ना नहीं कभी भी इनमें लगे रहेंगे ना तो उनसे स्वतः ही बच जाएंगे यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म तो इसलिए प्रार्थना भी भगवान से ये करनी चाहिए कि भगवान जी मेरे को ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने कर्तव्य से कभी नीचे ना आऊं मेरे कर्तव्य में कहीं कोई त्रुटि ना आए तो मुझे बचा लेना जब कभी मेरा मन अपने कर्तव्य से नीचे आने लगे तो मुझे संभाल लेना दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर तब देखते ना रहना झट आके बचा लेना झट आके ऐसे ही बचाते हैं वो अंतःकरण में प्रेरणा देंगे उस समय कि तू अपने कर्तव्य कर्म से नीचे मत गिर तो तेरी हानि हो जाएगी यही आके बचाना है नहीं तो ऐसे कोई फ्लाइट में थोड़े आएंगे कि हेलीकॉप्टर आपके पास आके रुका और भगवान जी वहां उतरे विमान से और फिर आपको बचाए ऐसे ही बचाते हैं अंतःकरण में प्रेरणा दे करके तो इसलिए इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एवं करना ही चाहिए एवं और लगा दिया कार्यम एवं पावन मनीषी वो ही हमें पवित्र करते हैं पवित्र करते हैं मीन्स हमारे दोषों को दूर करते हैं जब कोई चीज हमें पवित्र करनी होती है तो हम कहा डालते हैं उसको या तो धूप में या तो हवा में या कोई ऐसी चीज है कि अग्नि में शुद्ध हो सकती है सोना आदि धातु तो फिर उसको में डालते हैं तो वो उनको पवित्र करके चले जाते हैं तो ये सारे देव हैं कुछ चीजें अनाज आदि है तो उसको कहीं उसमें सड़ांत हो गई या गीला हो गया तो उसको फिर हवा में डाल देते हैं इसमें से हवा निकल जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कुछ को धूप में डाल देते हैं कपड़ों को तो ये ये उसको पवित्र करने वाले हैं तो ये यज्ञ क्या करता है हमारे चित्त को पवित्र करने वाला है दान क्या करता है हमारे चित्त को पवित्र करता है तब क्या करता है हमें पवित्र करते या हमें पवित्र करने वाले इसलिए करने चाहिए। में ये करके किसी और दूसरे का भला नहीं कर रहे हैं हम ये नहीं सोचना चाहिए जी हम तो दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं वायुमंडल की शुद्धि के लिए कर रहे हैं वो तो बायो लाभ है वो तो हो जाते हैं उसके साथ लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा तो वो किसका एनवायरमेंट शुद्ध करते हैं अपना खुद का व्यक्ति का और यज्ञ का फिर इन्होंने विस्तार पूरी गीता में बताया है यज्ञ का मतलब है सारे कर्म ऐसे होने चाहिए तो उसमें जितनी ज्यादा सजगता बढ़ेगी नहीं तो कभी कभी ये जो सुबह शाम के कर्म हैं ये कभी कभी दम्भ भी हो जाते हैं दिखावे के लिए भी हो जाते हैं पूजा पाठ अग्निहोत्र आदि संध्या ध्यान उपासना अच्छी बात है करना ही चाहिए उस समय का कर्तव्य कर्म वो ही है वो ही करना चाहिए लेकिन वहां पर उसकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए वहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए वो तो प्रार्थना करते हैं ना बच्चे स्कूल में सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करता हूँ मैं शुरू आज का काम प्रभु तो सुबह सुबह करके ध्यान करके उपासना करके दिन की शुरुआत करनी है ताकि दिन भर सारे काम ऐसे ही खुशी देने वाले हो संतोष देने वाले हो शांति देने वाले हो बेचैनी देने वाला ना हो कोई भी तो वो तो शुरुआत है सारे कर्मों को ऐसा बनाने की प्रैक्टिस करनी है और उन कामों को करते समय विघ्न बाधाएं भी आती है यज्ञ हवन में अलग प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं क्योंकि हो सकता है किसी के पास इतनी गुंजाइश ना, ना हो घी ना हो सामग्री ना हो समिधाएं ना हो करने लगे तो उसमें टाइम उसको ना मिलता हो तो जल्दी उठना पड़ता हो अनेक बाधाएं हो सकती हैं लेकिन उन सब को हटा के भी करना ही चाहिए यज्ञ टाइम नहीं है तो थोड़ा जल्दी उठो लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि जी हमारे पास टाइम नहीं इसलिए संडे संडे को कर लेंगे ठीक है वो अपने ढंग से जीवन आपके हाथ में है तो लोग संडे को भी कर लेते हैं कोई महीने में भी कर लेते हैं महीने भी में भी ना करें तो कौन सा भगवान जी डंडा लेके बैठे लेकिन अपना कर्तव्य कर्म से तो हम नीचे आ ही रहे हैं ये कर्तव्य कर्म है करना ही चाहिए व्यक्ति को समय निकालना ही चाहिए उन बाधाओं को हटाना चाहिए और फिर दिन भर जो कर्म करते हैं उनमें अलग प्रकार की बाधाएं आती हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं जिनके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं कहीं ऑफिस में जाना है आपको कहीं फैक्ट्री में जाना है कहीं ड्यूटी पे जाना है तो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो तो आप जैसी मानसिकता वाले नहीं है ना तो वो तो यज्ञ कर्म करना है इस स्थिति में है नहीं तो वो अपनी बातों में आपको ऐसा उलझा लेते हैं कि आप कभी यज्ञ कहीं चला जाता है वो किसी एक व्यक्ति को लेके बैठ जाते हैं और जब तक उसकी कुछ निंदा आदि ना कर ले तब तक उनको फिर चैन नहीं पड़ता है और फिर क्या होता है फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं जैसे आपने किसी व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन में देखना इन चीजों को आपने किसी व्यक्ति के साथ बैठ करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी कोई हल्की चर्चा कर ली कि ये व्यक्ति ऐसे हैं और आप देखेंगे अब आप जब भी उससे मिलोगे ना चाहे वो एक मिनट के लिए या या दो मिनट के लिए आए वो उस व्यक्ति की चर्चा दोबारा आ जाती है क्योंकि वो संस्कार बन गए आज कोई हमारी इंटेंशन भी नहीं थी उस व्यक्ति के बारे में बात करने की उस दिन थी उस दिन कोई घटना घटी थी आज कोई ना इंटेंशन थी ना कोई वजह थी वो चर्चा करने की लेकिन तो भी उस व्यक्ति का जिक्र आए बिना रहता ही नहीं है क्योंकि हमने इस व्यक्ति के सामने चार पांच दस बार ही उसके बारे में बात कर ली तो अब ये ऐसा चक्र चल पड़ा कि जब वो ये दो व्यक्ति मिलेंगे तब उस तीसरे व्यक्ति की चर्चा जरूर करेंगे तो उस समय व्यक्ति को सजग रहने की जरूरत है कि इसको चक्र को तोड़ दे नहीं तो ये ऐसे चलता रहा ना तो ये तेरा नुकसान हो रहा है ठीक है उस दिन चर्चा होगी हो होगी आज नहीं करनी है बिल्कुल भी आज तो कोई वजह ही नहीं है तो आज नया संस्कार क्यों बनाऊं तो ऐसे ये व्यक्ति फिर सजग रहता है तो ये ये हमें पवित्र करते हैं सारे कर्म हमने यज्ञ में बनाने का संकल्प लिया कुछ ना कुछ दान देने का संकल्प लिया कि आज का दिन मिला है तो कुछ तो दान देना ही है क्या दान दूं तो जो आपके पास जो कुछ भी हो सकता है किसी के प्रति सद्भावना कहते हैं कि कोई भी ना मिले ना तो आपको पेड़ पौधों के प्रति ही अपनी सद्भावना जतानी चाहिए उनके प्रति ही अपना आदर भाव पशु पक्षियों के जो भी आपके आसपास होते हैं मनुष्य होते हैं आप उनको ना भी बोलें तो जब आप उनसे मिलें जब आप उनको देखें तो आप उनको एक गिफ्ट दे सकते हैं अपने सद्भावना की अपने अंदर का एक अच्छा भाव अपने अंदर का एक उनको प्रणाम करना पेड़ पौधों को भी जड़ चीजों को भी वो भी कभी ना कभी काम आ जाएंगे आपको जीवन में और ऐसे ही तप तो तप इन्होंने बता ही दिया पांच पांच प्रकार के तीनों तप बताई ना तो ऐसे मतलब आदमी सजग रहे कि आज किसी इंद्रिय से कोई दोष नहीं करना दृष्टि से कोई दोष नहीं करना है दृष्टि का दोष यही है जो भगवत्ता को ना देखे यही दोष है अपने आप में तो आज ये दोष नहीं करना है वाणी से कोई दोष नहीं करना है वाणी के दोष तब हो जाते हैं जब मन में दुर्भावना रखते हुए किसी को परेशान करने के लिए कोई शब्द बोला जाता है जब मन में कोई दुर्भाव है और हम टोटिंग करते हैं किसी को तो वो वाणी का दोष होता है वाणी के दोष वो नहीं है कि हम किसी से प्रीति करते हैं और हम उसको कुछ बता रहे हैं तो वो हमारी वाणी का दोष नहीं है क्योंकि हमारी भावना गलत है ही नहीं तो वो बताना आवश्यक है वाणी के दोष वो होते हैं जब मन में दुर्भाव रख करके कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो फिर भले ही वो मीठे शब्द भी क्यों ना हो वो वाणी का दोष ही माना जाएगा फिर तो संकल्प ले कोई दोष नहीं करना है दृष्टि से कोई नहीं करना है आंख से कोई दोष नहीं करना है किसी भी इंद्रिय से कोई दोष नहीं करना है मन भी एक इंद्रिय ही है इसलिए मन से भी दोष नहीं करना है मन से विचार का दोष हो जाता है अगर हमने कोई भी हल्का विचार उठा लिया अपने बारे में या दूसरे के बारे में तो ये मन का दोष हो ही गया ना फिर तो ये ये हमारे व्रत हैं ये क्या है तप है ये हमारे वाणी के मन के शरीर के इंद्रियों के ये हमें पावन करते हैं थोड़े ही दिन में व्यक्ति मतलब ये आध्यात्मिकता इतनी अच्छी है कि जन्म जन्मांतरों के जो दोष थे वो थोड़े से दिन में ठीक हो जाते हैं मतलब तो जन्म जन्मांतरों का जो अंधकार था कमरे में एक बार तिल्ली जला के दिया जलाया अंधकार खत्म मतलब तो ये प्रकाश ये नहीं कहता है कि भाई इस कमरे में तो हजारों साल से अंधकार था तो कम से कम दो चार साल तो लगेंगे प्रकाश होने के बाद के बाद अंधकार मिटने में ना ना ही पुराना क्यों ना हो दिया जलाते अंधेरा खत्म तो ऐसे ही ये आध्यात्मिकता सजगता तपस्या दान यज्ञ तप ये ऐसी चीजें हैं कि इनका एक बार आपने दिया जलाया और बस प्रकाश हो गया अब सारे कार्य किस प्रकाश युक्त ही होने लगते हैं साधक के और पीछे वाला भी बहुत जल्दी जब ये थोड़ा सा उसको खींच के ले जाता है ना सतत आगे तो भगवान को भी विश्वास हो जाता है कि अब इसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया तो पीछे वाले के लिए भी शक्ति विशेष दे देते हैं उसको उसको भी दग्ध बीज करने के लिए उसको भी कर देता है व्यक्ति एक ही जन्म में कर देता है सातत्य की जरूरत है छोटे छोटे प्रलोभन आएंगे पहले और छोटे छोटे संघर्ष आएंगे उसको बीच में तोड़ने के लिए बाधाएं आएंगी आपकी परीक्षा लेने के लिए फिर उनको यदि आपने हरा दिया पराजित कर दिया छोटे छोटे आलस्य आएंगे छोटे छोटे प्रलोभन आएंगे छोटे छोटे संघर्ष आएंगे उनको यदि आपने हरा दिया तो फिर उससे थोड़े से बड़े आएंगे थोड़े से बड़े प्रलोभन थोड़े से बड़े संघर्ष मान प्रतिष्ठा जब आप थोड़ा थोड़े दिन साधना करते हैं ना तो लोग आपका सम्मान करने लगेंगे लोग आपको बुलाने लगेंगे लोग आपको बड़ा कहने लगेंगे तो ये क्या है ये थोड़ा सा बड़ा प्रलोभन है तो ये, ये इसको भी हटाना है उससे भी प्रभावित नहीं होना है तो बिल्कुल सजग रहना चाहिए तो वो योग दर्शन का सूत्र है ना संग करणम ये होने लगेगा फिर फिर उसको भी जीत लिया तो फिर थोड़े से बड़े लगेंगे थोड़े से बड़े संघर्ष आएंगे पर यदि इस व्यक्ति का गोल निश्चित है तो ये कहेगा कि कुछ भी आए उससे पहले रुकूंगा नहीं फिर वो सारे हट जाते हैं एकदम जैसे ऐसे होता है ना बहुत भारी तूफान आता है बहुत गहरे गहरे बादल आते हैं बिल्कुल काले काले ऐसे लगता है कि महाप्रलय होने वाली है अब तो और फिर वो आधे घंटे में सब चले जाते हैं वो बहुत तेज जो तूफान था जोरदार हवा थी और वो बारिश थी मूसलधार और वो गड़गड़ाहट थी वो सब चले गई और अब आकाश के जो वो नक्षत्र हैं इतने साफ दिखाई देते हैं एकदम क्लीन हो गया आकाश वो जो सौंदर्य है वो सौंदर्य किससे अभिव्यक्त हुआ वो सौंदर्य किससे अभिव्यक्त हुआ तूफान से ये तूफान सब धोले गया सारी जो डस्ट थी ऊपर तक थी ना जो सब पावन करके चला गया तो जीवन में भी जो छोटे छोटे तूफान आते हैं छोटी छोटी पावनता देते हैं थोड़े मीडियम आते हैं वो मीडियम पावन करके जाते हैं जो बड़े आते हैं वो पूरा साफ करके चले जाते हैं क्लीन एकदम से बारिश काल में छत के ऊपर दीवारों के ऊपर डस्ट डस्ट सब जगह आंधिया चल चल के धूल जम जम के सब गंदा हो जाता है और जब तेज बारिश आती है है सब अपने साथ बाह के ले जाती है। करकट तो उसके बाद ही वो सौंदर्य अभिव्यक्त होता है उससे पहले नहीं हो सकता है तो आने दो उनका भी अपना एक सौंदर्य है तो साधक का प्रलोभनों को जीतने की अपनी एक खुशी है संघर्षों के संघर्षों के पार जाने की अपनी एक खुशी है तपस्या करने का अपना एक आनंद है तो उसमें भी आनंद लेता है ना वो तो इसलिए उसको तो आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है उसको संघर्ष में भी आनंद है उसको सेवा में भी त्याग में भी यज्ञ में भी तप में भी वो सब जगह आनंद ढूंढ नहीं लेता है छोटे बच्चे को क्या है हमेशा आनंद ही आनंद है उसको आप मिट्टी में छोड़े तो भी आनंदित है वो उसको कमरे के अंदर छोड़े तो भी आनंद है ट्रेन में छोड़ दें उसको तो भी आनंद है फ्लाइट में ले जाएं तो भी आनंद है वो उसको हर जगह आनंद ही आनंद है क्यों अंदर से रिजू है सरल इसलिए तनाव अंदर नहीं है ना इसलिए बाहर भी कहीं तनाव नहीं है उसको बड़े आदमी को तनाव ही तनाव है उसको फ्लाइट में ले जाए तो भी तनाव ट्रेन में ले जाए तो भी तनाव गाड़ी में ले जाए तो भी तनाव क्योंकि तनाव अंदर है तो बाहर सब जगह ब्लेम करते हैं। इन साधवियों को मैं एक बार ले गई दक्षिण में फ्लाइट में बिठा के मेरे को लगा कि सब खुश हो जाएंगे पहली बार फ्लाइट में बिठा रही कुछ तो ऐसी थी जिन्होंने फ्लाइट आंखों से भी नहीं देखी थी उनको ले गई तो फ्लाइट में बैठती बोली इसकी खिड़कियाँ खुलेंगी नहीं बोले हमें, तो <laughs> हमें उल्टी आएगी मैं आने तो दे पहले उससे पहले खिड़की मैंने कहा इसकी खिड़की खुली तो तू ही बाहर मिलेगी फिर मैंने कहा यहाँ वो रखी हुई है उल्टी करने के लिए लिफाफा रखा हुआ है थैली रखी हुई है तो आने तो दे आने से पहले ही विद्रोह बड़े आदमी को कुछ भी दे दो उसका तनाव मिटता ही नहीं एसी बस में बिठाए तो क्यों करी हमारे को खुली हवा लेनी थी खुली उसमें बिठाए तो बोली सब धूल उड़ उड़ के अंदर आ रही है हमारे लिए अच्छी बस क्यों नहीं की छोटे बच्चे को कहीं रखो खुश रहते हैं वो तो साधक को हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद है उसको उसको बैठ के गीता पढ़ा दो वेद पढ़ा दो दर्शन पढ़ा दो उपनिषद पढ़ा दो कुछ भी ना पढ़ाओ ठीक है बड़े वाले को हर समय शिकायत अब ये गीता पढ़नी पड़ेगी अब ये याद भी करनी पड़ेगी अब इसकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी तो सेवा वालों की कोई परीक्षा लेते हैं क्या हमें तो उत्तर भी ढूंढने आते नहीं हैं, उसका मन तो बड़बड़ाता ही रहता है बोले परीक्षा नहीं देनी थी इसलिए तो सेवा वर्ग ज्वाइन किया अब बताओ यहाँ सेवा में भी परीक्षा ले रहे हैं अरे भाई जीवन ही एक परीक्षा है परीक्षा भी कुछ ना कुछ देके जाएगी तेरे को कुछ ना कुछ पवित्र करके जाएगी ये तप है और तप किसके लिए होते हैं पवित्र करने के लिए ये मैं नहीं कह रही हूं ये कह रही है मैं नहीं कह रही मेरा मत मानना ये कह रहे हैं मनीषी नाम पावनानी ये मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं हैं लेकिन ये विशेषण लगा दिया पवित्र किन को करते को जिनको इतना ज्ञान है जिनको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर अपने बड़ों के ऊपर माता पिता गुरुजनों के ऊपर जिनको ये विश्वास है कि ये हमें पावन करने के लिए हैं, तो वो जो भी करवाएंगे ना उसको वो यज्ञ, दान और तप के रूप में करते हुए अपने जीवनों को फिर पवित्र कर लेते हैं क्या करेंगे बचा के इस जीवन को इसको लगने दो सेवा में पढ़ाई में स्वाध्याय में तप में जहां जहां भी आपकी आवश्यकता गुरुजन या जिनको आपने ये जीवन सौंपा है माता पिता आदि तो उनको करने दो एतानी अ तू कर्माणी संगम उत्तमं ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं ना मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ एतानी तू कर्माणि कौन से कर्म यज्ञ दान तप और शुभ कर्म ये कर्म भी कैसे करना है संगम फलानी च त्यक्त्वा ये भी आसक्ति को छोड़ के और उनके फल को छोड़ के करने हैं नहीं तो उनका फल यदि आपने आग्रह कर लिया कि यज्ञ दान तप करने का फिर ये फल मिलना चाहिए तो फिर भी चूक जाएंगे करने के बावजूद भी फिर पिछड़ जाएंगे तो उनका भी आसक्ति नहीं रखनी है और फल की इच्छा नहीं कर रखनी है कर्तव्य नहीं करने ही चाहिए ये मेरा कर्तव्य है इति पार्थ है। ये निश्चित रूप से मेरा ऐसा ही मानना है और ये ही सबसे उत्तम रास्ता है अपने आप को पावन करने का तो शेष चर्चा फिर कल करेंगे आज विराम देते हैं पाठ को शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्रारी ईश्वर हे प्रा अपना प्रेम